माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ विकसित भारत का जो सपना देखा है उसे केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में पूरा करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने कई बड़े कदम उठाए हैं। नए जमाने की तकनीक के माध्यम से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों के जीवन को सरल व पंचायतों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय पूरी क्षमता से जुटा हुआ है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से आज प्लानिंग और प्रोग्रेस रिपोर्ट से लेकर पेमेंट तक सभी काम एक ही प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे हैं। ये कार्य अधिक पारदर्शिता व प्रभावशाली तरीके से हो रहे हैं और इनके लिए जवाबदेही भी तय की जा रही है। ई ग्राम पोर्टल को पूरे देश में सुलभ बनाने के लिए भी काफी प्रयास किए गए हैं। ये पोर्टल पहले केवल अंग्रेजी तक ही सीमित था, लेकिन अब 100 दिवसीय विजन के साथ इसे भाषिणी के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे अब इसे 22 क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित किया जा सकेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश भर के पंचायत में चुनकर आए प्रतिनिधि और कर्मचारी अब इसका सरलता से उपयोग कर सकते हैं। भाषा प्रतिबंधक हेतु ई ग्राम स्वराज प्लाटफर्म व्यवहार करिबा टिके पाला कष्ट साध्य थिला, किंतु वर्तमान भाषिणी एक एकीकरण सुविधा सहित मुझ पोर्टाल को मोर स्थानीय भाषा सहजरे व्यवहार करें। यह द्वारा आम पंचायत काम को तुलाइबा आहरी मत सरल एवं सरल एवं तीर्थ हो। मैं आता या पोर्टल महत्वाची माहिती पाहू शकतो, अहवाल सादर करू शकतो आणि विकास कामांची देखभाल करू शकतो। आता त्यात मला कुठलीही अडचण वाटत नाही। या ई ग्राम स्वराज आणि भाषिणी यांच्या इंटिग्रेशनमुळे आम्हाला आमच्या जबाबदाऱ्या अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यास सक्षम केले आहे। भारत की कृषि में वर्षा का बड़ा महत्व है। ऐसे में मौसम का अचानक रुख पलटना किसानों के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। इसलिए पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान को ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दिया है। ये पूर्वानुमान ब्लॉक लेवल पर रियल टाइम में तैयार डेटा के आधार पर दिए जाते हैं। इतने निचले स्तर तक मौसम की सटीक जानकारी मिलने से किसान अपनी फसलों को हानि से बचाते हुए बेहतर पैदावार करने में सक्षम हो रहे हैं। इतने पंचायत राज मंत्रालय ई ग्राम स्वराज तंत्राक्षर नम ग्राम पंचायत मत ग्राम हवामान मुन्सूचने वीक्षिसलो अनुवु माडिकोडलागिदे। ई ग्राम स्वराज तंत्राक्षरदल्लि हवामान मुन्सूचने उपकरणवु नावेल्लरिगू नंबलागदष्टु प्रयोजनकारियागिदे। हम अपने पंचायत के किसानों को आने वाले 24 घंटों का पूर्वानुमान और अगले एक हफ्तों में क्या होने वाला है, उनको कौन सी फसल कब होनी है, इसके बारे में हम एकदम सटीक जानकारी दे सकते हैं, जिससे उनको खेती किसानी करने में आसानी होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ग्राम ऊर्जा स्वराज के संकल्प को पूरा करने की तथा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सफलता की कुंजी है स्वामित्व का डेटाबेस। ड्रोन सर्वे और GIS की मदद से गांवों में नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। इन नक्शों के माध्यम से ग्रामीण घरों की संरचनाओं के आधार पर ये तय किया जा रहा है कि वहां कितने सौर पैनल स्थापित किए जा सकते हैं। पिछले 100 दिनों में 25,000 गांवों में लाखों घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की क्षमता का आकलन किया गया है और बाकी देश में ये कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिन राज्यों में पंचायतें प्रॉपर्टी टैक्स वसूलती हैं, वहां अब टैक्स का आकलन इन नक्शों से और भी आसान और पारदर्शी हो गया है। भारत के गांवों में कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिन्हें सहेजने का काम भी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण गांवों में पर्यटन के अवसर तलाशे जा रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर होकर खुद के लिए धन अर्जित कर सकें। देश की 75 ग्राम पंचायतों से संग्रहालयों में पहुंची मूर्तियों और कलाकृतियों की प्रतियां भी उन पंचायतों में स्थापित की जाएंगी, ताकि लोग इनके जरिए अपने गौरवशाली इतिहास का आभास कर सकें। 500 से अधिक पंचायतों में फैली धरोहरों का सर्वे कराया गया और डेटा को संकलित किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए देश का ये गौरवशाली इतिहास केवल एक दंत कथा न बनकर रह जाए।
100 दिन में उठाए मजबूत कदम ताकि सशक्त ग्राम का सपना हो साकार। विकसित गांव से ही लेगा विकसित भारत अपना आकार।